गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं टिंकू सरेठे, साइंस जॉन एकेडमी छिंदवाड़ा। हम देख रहे हैं पीएटी के टॉपिक में अगर बात करें तो लगभग आज हम बात करने आए हैं सभी टॉपिक्स के बारे में। नॉर्मली जो आपका पेपर 9 और 10 नवंबर या फिर 8 और 9 नवंबर को होने वाला है, उस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस पेपर में हमको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर का टाइम अब बहुत कम बचा है और आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है वो आप अपने आप से एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उन प्रैक्टिस सेट को लगा के भी आप अपने एनालिसिस कर सकते हो, है ना। तो अगर हम बात करें कि आपको मैन अभी इस टाइम पे किस प्रकार से अपना माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए और किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को तैयार मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन आपको कम से कम अभी, क्योंकि आज जो हो गई है कितनी 18 हो गई है ना, 18 तारीख हो गई, तो 18 तारीख से लेकर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का टाइम है, क्योंकि कुछ अभी नवरात्रि, फिर दशहरा बीच में और बहुत सारी चीज़ें, तो 20 दिन का टाइम है। 20 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से अभी आपकी कुल मिला के रिविज़न फैक्ट टाइप का काम रह गए रिविज़न, और जिसने अगर नहीं भी पढ़ा तो वो अच्छे से पढ़ ले, है ना। पर लगभग कम से कम 8 से 10 घंटे अभी पढ़ना पड़ेगा आपको। 8 से 10 घंटे पढ़ लो, बिल्कुल निकलेगा पेपर। अब अगर हम बात करें कि इस टाइम पे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके टाइप की जो चीज़ें होती है इसमें, मतलब अपना जो क्रॉप, एनिमल, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। मैथ्स में तो आप स्टैटिक टाइप की कुछ पढ़ नहीं सकते, मतलब स्टैटिक जीके मतलब इसका मतलब होता है वन लाइन फैक्ट, है ना। तो वन लाइन फैक्ट आपको ये 5 सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से, क्रॉप में, एनिमल में, इसके अलावा आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। इन 5 सब्जेक्ट में आप जो स्टैटिक जीके है या फिर जो इनके वन लाइन फैक्ट है, वन लाइन फैक्ट को ज़्यादा तैयार करें, या फिर जहाँ से हो सके प्रैक्टिस सेट की ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, और दूसरी बात ये पता चलती है कि आपका जो प्रिपरेशन हुई है उस प्रिपरेशन के बाद आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस क्वेश्चन में कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद। या फिर प्रैक्टिस सेट मार्केट में शायद उपलब्ध होंगे आपके पास, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पर पक्का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे, या नहीं होंगे तो हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, तो हमारे प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, या फिर आप जहाँ से चाहो वहाँ से लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे प्रैक्टिस सेट लगाओ, है ना, प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि इससे प्रिपरेशन में आपके 5 से 10 नंबर पक्का बढ़ेंगे। आपके अगर 120 नंबर आने वाले, 120 मार्क्स आने वाले हैं, तो 130 जिसके आने वाले, 140 और 140 जिसके आने वाले, उसके 150 हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट के बाद। अगर हम बात करें कि हमको अभी इस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मली पढ़नी चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्रॉप की बात करें, क्रॉप प्रोडक्शन में हमको देखना चाहिए सबसे पहला वनस्पतिक नाम, जो वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक नाम आपको लगभग जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी फसलें हैं, उनके सबके वनस्पतिक नाम याद होना चाहिए और उनको आपको याद करना है, है ना। याद करने से क्यों, क्योंकि इस वनस्पतिक नाम से मैं गारंटी देता हूँ कि 2 नंबर के पेपर में आपको, मतलब 50 नंबर का आपका क्रॉप प्रोडक्शन है तो 2 मार्क्स ए दे के जाएगा आपको। और इसमें ये नहीं है कि आप तुक्का मार लोगे, क्योंकि इसमें तुक्का मारने का नहीं होता। गाय का वॉस इंडिकस होता है तो वॉस इंडिकस होता ही होता है, है ना। मक्खी का फैलेस डोमेस्टिका होता तो फैलेस डोमेस्टिका होता ही, मतलब इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इनको आपको याद रखना है और 2 नंबर आपको ये देखे जाएगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहला वनस्पतिक नाम हो गया। इसके अलावा एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है फसलों की खेती। ये जो फसलों की खेती वाला टॉपिक है, इस फसलों की खेती वाले टॉपिक से भी आपको 5 नंबर कम से कम मिलेंगे, 4 से 5 नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार की फसलें आती हैं, खरीफ की फसलें और रवि की फसलें, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स देखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में आपको खरीफ की क्रॉप आएगी और रवि की क्रॉप आएगी। इस प्रकार से 2 क्रॉप और एक और क्रॉप आती है जायद की क्रॉप। इन तीनों क्रॉप से कम 3 से 4, 4 से 5, मतलब 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन इससे मिलते हैं। तो यहाँ भी आप स्टैटिक मतलब जल्दी वन लाइन फैक्ट कि भाई गन्ने का, अगर हम बात करें कि गन्ने को बोने के लिए गन्ने के किस भाग का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको पता होगा कि ऊपरी 1/3 का प्रयोग करना चाहिए। अब ऊपरी 1/3 का प्रयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो भाग होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा जो भाग होता है उसको उसमें एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि उसको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप गन्ने के लगाने के लिए निचला वाला भाग प्रयोग करते हो तो वो जल्दी अंकुरित नहीं होता है और अंकुरण भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मतलब इस प्रकार के वन लाइन फैक्ट, या फिर मूंगफली में टिक्का रोग किस कारण से होता है, या फिर सोयाबीन का पीला मोज़ेक किस कारण से आया है, या फिर
अगर हम बात करें कि भाई जो कपास है, कपास में जो कीट लगते हैं कौन कौन से कीट लगते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस कारण से लगते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी फसलों के, आपको हर फसलों के मतलब वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम तो याद करना ही है, इसके अलावा क्या खेती, इस खेती वाले टॉपिक से भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक। अगला अगर हम बात करें कि इस क्रॉप प्रोडक्शन में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसको बोलते हैं फल उत्पादन। फल उत्पादन इसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी फल हैं सभी फलों के बारे में दे के रखा है, सेब, अंगूर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो संतरा, मौसम्बी और जितने भी फल हैं, है ना, सबके सभी फलों के बारे में पढ़ना है। अगर आपके पास जो नोट्स उपलब्ध हैं उन नोट्स में अगर कम डाटा दिया है तो आप और कहीं से उसको अरेंज करें, आपको जहां से भी अगर मिल पाता है, जहां से सुलभ तरीके से मिल जाए वहां से अरेंज करें, क्योंकि ए वाला जो टॉपिक है ए भी नंबर मतलब कम मेहनत में ज़्यादा नंबर देने वाला है, है ना। अगर आपको जैसे नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी तो हमारे पास कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल आपको पूरी की पूरी नोट्स इनकी मिल जाएगी, है ना, तो ध्यान रखें। इसके अलावा और आगे अगर हम बात करें कि इसमें हमको कौन सी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तो देखो 3 टॉपिक तो हो गए, 3 टॉपिक के अलावा मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मेजर मतलब जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर आप पेपर देने जाओगे उसके दूसरे दिन आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने जो आपको आज की प्रिपरेशन की जो थीम बताया हूँ इस थीम से पेपर में आए हैं कि नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे आपको। अगर 50 नंबर का क्रॉप आ रहा है तो क्रॉप में आपको कम से कम जो मैं मेजर टॉपिक बोल रहा हूँ इसमें 35 नंबर के आसपास इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, बाकी 15 नंबर जो हैं छोटे छोटे कुछ टॉपिक होते हैं उनसे आते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और टॉपिक है फूल उत्पादन, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में भी फूलों का बहुत महत्व है क्योंकि ये सजावटी इत्र के लिए बहुत सारे इससे उद्योग धंधे चलते हैं फूलों से, तो फूलों का भी आर्थिक रूप से भी बहुत महत्व है और अगर हम बात करें आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आध्यात्मिक और आर्थिक या फिर व्यावसायिक रूप से, है ना, तो 2-3 रूप से इसके बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए फूलों का टॉपिक भी उठाया जाता है पेपर में। तो फूलों के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे गुलदाउदी हो गया, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, इसके अलावा चमेली हो गया, इन सभी फूलों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको लेके जाना है ना, पेपर में ऐसे नहीं चल जाना है कि वैसे ही बिना जानकारी के उठ के और चले गए, तो इन सब की जानकारी हमको रहना चाहिए कि हाँ भाई गुलदाउदी का वनस्पतिक नाम क्या है, उसका कुल कौन सा है, कितने दिन में फसल आती है, कितनी एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय है, किस प्रकार की है, इसके गुणसूत्र कितने होते हैं, या फिर मतलब हर चीज़ की आपको एक सटीक जानकारी होनी चाहिए और सटीक जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब ऑनलाइन फैक्ट या फिर प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए मैं ज़्यादा आपको फोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी प्रिपरेशन, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अगर सिलेक्शन 20 नंबर से भी रुकने वाला तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस सेट मतलब लगभग 2 प्रैक्टिस सेट या फिर 1 प्रैक्टिस सेट अभी डेली लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी 20 दिन है, 20 दिन में आप 1 प्रैक्टिस सेट भी लगाते तो 20 प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 4000, है ना, तो 4000 क्वेश्चन, क्योंकि 1 प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 200 क्वेश्चन के हिसाब से 4000 क्वेश्चन आपको 20 प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। अगर आप 40 प्रैक्टिस सेट लगा लेते तो 8000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं 20 दिन में, 8000 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा डाटा होता है, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और मेजर टॉपिक इसमें सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन जिसको हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर। इस ओलेरिकल्चर के बारे में अगर बात करें तो ओलेरिकल्चर में भी जितनी भी आपकी सब्जियां हैं, जितनी भी आपकी सलाद वाली चीज़ें हैं सभी की सभी आती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई हाँ आलू क्या है, तना है, कंद है, मूल है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आलू क्या होता है। इसके अलावा अगर बात करें टमाटर या फिर जितनी भी सब्जियां हैं सबके बारे में आपको पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो लगभग ये वाले जो टॉपिक्स हैं 4-5 टॉपिक जो मैंने बताया अभी, ये 4-5 टॉपिक आपके 30 से 35 या 35 से 40 इसके आसपास नंबर कवर करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो क्रॉप के अलावा एक और टॉपिक हमारा अगर बात करें मैन, तो कौन सा है? एनिमल, है ना, एनिमल हस्बेंड्री जिसको अपन बोलते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में कौन कौन से टॉपिक हमको ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए, तो उन टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक इसमें आता है पशुओं की सामान्य बीमारियाँ। कौन सा टॉपिक आता है? पशुओं की बीमारियाँ,
पशुओं की बीमारियों की अगर हम बात करें तो पशुओं की जो सामान्य बीमारियां होती है, डिसीज़ ऑफ एनिमल या फिर उनकी बात करें तो इसमें जितने भी डिसीज़ होते हैं एनिमल के या फिर जितनी भी बीमारियां होती हैं सभी बीमारियों को आ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि फड़ सूजन किस बीमारी को कहते हैं, है ना। अब अगर मैंने ये सब कुछ क्लियर करवा चुका हूँ तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों को आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर वीडियो नहीं है तो बिल्कुल हम प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। बस हमारी एक ही शर्त है कि आप अच्छे से मेहनत करो, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपका 100% और हमारा 100%, दोनों मिला के 200% लेके और बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे। इस बार कन्फर्म सिलेक्शन होगा, पर आप उस तरीके से मेहनत कर लो, हम बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल जब आप चाहो हम 24/7 आपके साथ अवेलेबल हैं। तो आप ध्यान रखें, पशुओं की सामान्य बीमारियां जो भी है इसको आप क्लियर करेंगे। पशुओं की सामान्य बीमारियों के अलावा इसके साथ में एक आता है दूध उत्पादन वाला टॉपिक, जो दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन वाला, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, है ना, मतलब कि परिरक्षण उत्पादन और इसके अलावा व्यवसाय, मिल्क दूध का व्यवसाय, या फिर इस प्रकार से 3-4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं दूध उत्पादन में। तो जो दूध उत्पादन वाला टॉपिक है, दूध उत्पादन में और दूध उत्पादन के अलावा दूध से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट, उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, इस प्रकार की चीज़ें आपको क्लियर करना है, क्योंकि इससे भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको आएंगे कौन सा, इसी के अंदर एक होता है इकोनॉमी करके, है ना, अर्थशास्त्र, इसी को बोलते हैं इको, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में से भी इसमें इकोनॉमिक्स इसके अंदर होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है, किस प्रकार से कृषि राष्ट्रीय आय में सहायता प्रदान करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि लगभग लगभग कितना दूध प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन होता है भारत में, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है, या फिर अगर हम बात करें कि इसमें ये वाला जो अर्थशास्त्र है दोनों का कॉमन टॉपिक है ना, इसका भी और इसका भी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्रॉप में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है कि भाई फसल उत्पादन का अर्थशास्त्र में या फिर राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है या प्रति व्यक्ति आय में कितना योगदान है, जिसको अपन प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसको प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस प्राइमरी सेक्टर के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो इस टॉपिक में आपको एक और टॉपिक मेन मिलेगा, जांच प्रबंध, जांच या प्रबंध, क्या जांच या प्रबंध, क्योंकि जब आप पशुपालन को पढ़ोगे तो इसमें जांच या प्रबंध का मतलब होता है कि आपका मैनेजमेंट किस प्रकार से आप उसको मैनेज कर रहे हो, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी जगहों से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो मेजर मेजर टॉपिक थे मैंने आपको लगभग लगभग बताया। आगे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कितने प्रैक्टिस सेट डेली लगा रहे हो, और नहीं लगा रहे हो तो बिल्कुल हम अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं, है ना। या फिर आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो हम नोट्स भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, आपके पास अगर हमारे पूरे वीडियोस नहीं है तो वीडियोस भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, मतलब हम हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी का सीज़न है, नहीं तो हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस चलाते। पर ऑफलाइन क्लासेस अभी आपको शायद पता हो कि दिक्कत क्या हो रही है, सबके यहाँ पर प्रॉब्लम है, है ना। तो इसलिए आप जिस तरीके से मोबाइल में आप पढ़ सकते हो अपने, उस तरीके से पढ़ें, आपके पास जो भी साधन है उनको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, क्योंकि पेपर होगा, कन्फर्म होगा इसी, और आपका पेपर निकलेगा भी, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो तो बिल्कुल पेपर निकलेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।